आज मैं आपको बेबी के लिए मसाज ऑयल बनाना सिखाऊंगी। तो मसाज ऑयल बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सरसों का तेल। मैंने अपने बेबी के लिए मसाज ऑयल बनाने के लिए करीबन 300 ml सरसों का तेल लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मसाज ऑयल बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा तेल भी ले सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है वो है लहसुन की कलियाँ। 300 ml तेल के लिए मैंने 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन हम इस तेल में इसलिए डालते हैं क्योंकि लहसुन जो होता है वो गर्म होता है और साथ ही साथ वो बेबी सर्दियों में वो बेबी को खांसी और जुकाम से बचाए रखता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है वो है अजवाइन। अजवाइन में 300 ml सरसों के तेल में मैं करीबन 1.5 चम्मच अजवाइन डालूंगी। अजवाइन के ये फायदे होते हैं कि अजवाइन आपके बच्चे को सर्दी जुकाम से तो बचा ही रखता है, साथ ही साथ उसका डाइजेशन भी अच्छा रखता है और उसे एसिडिटी से रिलीफ दिलाता है। तो चलिए बेबी का मसाज ऑयल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गैस ऑन कर लीजिए और उसको मीडियम फ्लेम में रखकर गर्म होने दें। ध्यान रखिए थोड़ा सा तेल तेज़ गर्म होने दें, तभी आप उसमें लहसुन और अजवाइन डालिए। हमारा जो सरसों का तेल है वो गर्म हो चुका है, मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के इसे चेक कर लिया है, तो अब आप उसमें लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन डालने के बाद अब साथ ही साथ आप उसमें 1.5 चम्मच अजवाइन डाल लें। और गैस की फ्लेम को लो कर लें। आपको तेल को तब तक गर्म होने देना है या लहसुन और अजवाइन को तब तक पकने देना है जब तक आपका जो लहसुन है वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए या वो थोड़ा सा ब्राउन दिखने लग जाए। आप देख सकते हैं लहसुन की कलियाँ अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, अजवाइन भी ढंग से और अच्छे से पक चुका है। जब तक हमारा मसाज ऑयल ठंडा होता है तब तक मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। लहसुन और अजवाइन का जो तेल होता है वो आपके बेबी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी मालिश करने से आपके बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। बच्चे को सर्दी और ज़ुकाम बहुत जल्दी नहीं पकड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें लहसुन और अजवाइन डाला गया है और इस तेल की जो स्मेल है वो थोड़ी सी हार्ड और स्ट्रांग होती है, इसी वजह से जो बच्चे के आसपास मच्छर या जो आप बोल सकते हैं दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं घूमते हैं। एक और फ़ायदा भी है कि अगर आप इस तेल से आपके बच्चे की रेगुलर मालिश करते हैं तो बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वो भी मजबूत रहती है और बच्चा तंदुरुस्त रहता है। तो ये थी बेबी की मसाज ऑयल की रेसिपी। अगर आपने भी ये रेसिपी ट्राई की हो और आपके लिए आपके बेबी के लिए ये रेसिपी बहुत बेनिफिशियल रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।